किया था ताकि जो ये कैंप नहीं था, ये एक उन्होंने वैक्सीनेशन कैंप को अलग शिफ्ट किया था, लेकिन निकाला था तो उसका आज चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर 24 घंटे आपकी सेवा में। सर, जैसा कि अभी पूरे राजस्थान में कोरोना का कहर चल रहा है, उसी के तहत सभी को वैक्सीन लगाई जा रही है, तो जेपी नगर डिस्पेंसरी जो बदार वार्ड 54-55 के सीमा पे बनी हुई है, उसमें भी वार्ड नंबर 54, 55 और 56 के जो जनता है उनके वैक्सीनेशन कैंप होता है। और वैक्सीनेशन कैंप तो एक ऐसा है कि आधार कार्ड होने पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कहीं का भी कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीन करवा सकता है। वहाँ पे इतनी लंबी लाइनें लग रही थी, जेपी नगर डिस्पेंसरी के जो स्टाफ है वो भी उस व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे, जनप्रतिनिधि भी समस्याओं को संभाल रहे थे, लेकिन धूप से अभी जैसा कि जितनी तेज गर्मी है उसके तहत वहाँ पे छाया का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था, 3 शेड की व्यवस्था कर, लेकिन उसी को देखते मेडिकल स्टाफ ने, ये कोई कैंप नहीं था, मेडिकल स्टाफ ने एक पड़ोस में ही जेपी नगर डिस्पेंसरी के पड़ोस में ही एक ऑप्शन ढूंढ के कि भाई कोविड पेशेंट जो आते हैं वो अलग हो जाए और जो वैक्सीन का काम है वो अलग हो जाए, इसी के तहत कल एक वैक्सीनेशन शुभारंभ किया था दिशा संस्था के अंदर। वो वार्ड नंबर 55 के पार्षद रजनीश जी द्वारा गलत विरोध करके उन्होंने बताया कि ये वार्ड नंबर 55 का कैंप था और वार्ड नंबर 54 में शिफ्ट कर दिया। मैं उनको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वार्ड नंबर 54 का ना 55 का जनता के लिए था, जनता को वैक्सीन लगनी थी, चाहे 54 नंबर वार्ड से हो, चाहे 55 नंबर वार्ड से हो, चाहे 56 नंबर वार्ड से हो। वो संस्था के अंदर जो उन्होंने व्यवस्था करी थी, मेडिकल स्टाफ ने करी थी, वो ना मेरे द्वारा की गई थी ना 55 नंबर के पार्षद द्वारा की गई थी। उन्होंने गलत विरोध करते हुए उस जगह से वो बंद करवा दिया जो सुविधा मिली थी कि वैक्सीनेशन कैंप अलग हो जाएगा, उस सुविधा को उन्होंने बंद करवा दिया है, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये 55 नंबर का कैंप था जो 54 नंबर वार्ड में सुनील धानका ने ले लिया। ये गलत न्यूज़ थी, मैंने कोई कैंप नहीं लिया है और मेडिकल स्टाफ ने भी कोई कैंप नहीं लगाया था, वो एक उनकी सुविधा थी कि हमारे पास में 2 ऑप्शन हो जाएंगे, यहाँ पे मेडिकल स्टाफ वैक्सीन लगा देगा और जो डिस्पेंसरी बनी हुई उसके अंदर कोविड पेशेंटों को चेक कर लिया जाएगा, वो उन्होंने गलत भ्रांतियाँ फैलाई। और मैं इसी का चीज़ का खंडन करना आज कलेक्टर मोदी को ज्ञापन देने आया था कि ये ऐसा नहीं हुआ है, ये जो वहाँ पे जो व्यवस्था थी वो सिर्फ वैक्सीनेशन कैंप की व्यवस्था थी जो जनता के हित में एक तरह से मैं देखता हूँ बहुत अच्छी चीज़ थी, जनता को उस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए था, जो इन्होंने रजनीश जी ने गलत भ्रांतियाँ फैला के इसको बंद करवा दिया। सुनील धान का वार्ड 54 पार्षद।